सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव, बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं, हमेशा सिपाही का करियर। कौन तू है? ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाति नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। क्यों प्रोड्यूसर बने बोनी कपूर? किस फिल्म में इंटरनेशनल लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा? कब रिलीज होगी ये फिल्म? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। इन दिनों अजीत कुमार, हुमा कुरैशी और कार्तिकेय गुम्माकोंडा स्टारर फिल्म वलीमे की चर्चा जोरों पर है। एच विनोद लिखित निर्देशक बोनी कपूर निर्मित इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में पैन इंडिया 24 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। फिल्म के बारे में बात करते हुए बोनी कपूर ने बताया, वलीमे फिल्म में इंटरनेशनल लेवल का एक्शन है। इस फिल्म को फिल्म आने में कुल 150 दिन लगे थे, इसमें कम से कम 80 दिन तो एक्शन सीन शूट करने में चले गए। एक एक एक्शन सीक्वेंस सीन को शूट करने में 20 से 25 दिन लगे हैं। शूटिंग के दौरान एक तो कोविड की महामारी चल रही थी, हमने रास्ते, लाइव लोकेशन आदि पर शूटिंग की है। इसके लिए परमिशन की प्रॉब्लम थी, हमारी यूनिट 300 से 400 लोगों की होती थी, सेफ्टी प्रोटोकॉल रखना पड़ता था। सेट पर दो दो एम्बुलेंस और कई सारे डॉक्टर्स मौजूद होते थे। एक्शन सीक्वेंस पर डिपेंड करता था कि कितने लोग और कितनी गाड़ियां होंगी। हमने एक्शन सीक्वेंस में 100 से 125 मोटरसाइकिल यूज की हैं, 15-20 तो गाड़ियां यूज की और कुछ में ब्लास्ट भी किए हैं। फिल्म में विलेन और चोर लोग ऐसे हैं जो काम पूरा करके मोटरसाइकिल को एक जगह फेंक देते हैं। हमने रशिया में भी जाकर 20 से 25 मोटरसाइकिलें खरीदी थी, क्योंकि हमें एक एक्शन सीक्वेंस में रशिया को भी दिखाना था। फिलहाल शूटिंग के बाद उन मोटरसाइकिलों को वहां पर आधे दाम पर बेच दिया गया। एक बार मोटरसाइकिल उड़ाते हुए उलट गई, इसे खुद अजीत साहब चला रहे थे। इस एक्शन सीन में अजीत साहब को बहुत सारी चोटें लगी, उनके घुटने पैर तक छिल गए थे, लेकिन अगले दिन वो एकदम टाइम पे सेट पर शूटिंग के लिए पहुंच गए थे। अजीत कुमार तमिल के सुपरस्टार हैं, पहली बार ये पिक्चर पैन इंडिया रिलीज हो रही है। अजीत एक ऐसे हीरो हैं जो ना तो कभी किसी मीडिया से बातचीत करते हैं, ना अवार्ड फंक्शन पर जाते हैं और ना ही फिल्म के मुहूर्त पर आते हैं, कभी भी नहीं। इसके बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है, लोग उनकी पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अजीत एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्म 24 घंटे पिक्चर हॉल में चलती रहती है। और ये फिल्म काफी अटकलों के बाद 24 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। तो दोस्तों, आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा या नहीं देखा? अगर देखा तो ये कैसा लगा? क्या ये फिल्म हिंदी भाषी दर्शकों को लुभा पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वलीमे ऑडियंस को खींचेगी थिएटर तक? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनी का जाल। दोस्तों, साउथ एक्टर अजीत कुमार की फिल्म वलीमे लोगों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। ये फिल्म 24 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म वलीमे में अजीत कुमार एक पुलिस कॉप के रोल में नजर आने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। कहा जा रहा है कि उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज करने का फैसला किया। फिल्म मेकर एच विनोद ने बताया कि अजीत सर ने मुझसे कहा कि मुझे ये फिल्म करने पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस फिल्म को अपने पेरेंट्स और फैमिली को दिखाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फिल्म को बनाने के बाद एक प्राउड सन महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने इसे उनके पेरेंट को डेडिकेट करते हुए कहा कि ये फिल्म हम बड़े स्तर पर बना रहे हैं और हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ पे रिलीज करेंगे। उन्होंने आगे कहा, वलीमे सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है जो कि सामाजिक मुद्दों पर भी बात करती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हर किसी को अपने परिवार के साथ देखना चाहिए। वहीं प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अजीत कुमार के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो एक विनम्र एक्टर हैं जिन्हें अपने प्रोफेशन और डेडिकेशन के लिए पैशन है। अजीत कुमार की वलीमे का ट्रेलर उनके अवतार को देखकर सभी दंग करने वाले थे। वहीं ट्रेलर में उनकी बहुत ही स्टनिंग लुक नजर आई थी। फिल्म में कार्तिकेय भी नजर आए विलन के रोल में। अब आपको बता दें कि अजीत कुमार की फिल्म वलीमे बॉक्स ऑफिस पर आलिया भट्ट की गंगूबाई के साथ क्लैश करने वाली है, क्योंकि गंगूबाई 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है और ठीक एक दिन पहले आएगी वलीमे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा बज बना हुआ है और रिलीज से पहले ही बॉलीवुड में भी होड़ मची है इस फिल्म के हिंदी रीमेक की। तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको वलीमे का? कैसे लगते हैं अजीत? नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह की दूसरी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो। वलीमे की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलीमे को लेकर
दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पांव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधू ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधू ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधू ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वॉल्यूम आई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वॉली माई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वॉली माई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वॉली माई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वॉली माई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार अरवली मई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वली मई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वली मई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वली मई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी।
इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय गुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वलीमई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वलीमई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वलीमई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्दी वलीमई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररी रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वलीमई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वलीमई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वलीमई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वलीमई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वलीमई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय गुमाकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वलीमई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलीमई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। यह फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पांव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बज क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधू ने ये फिल्म पहले ही देख ली है।
इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधु ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वॉल्यूम आई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वालिमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वालिमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वालिमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वालिमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टारर वलीमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वलीमाई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वलीमाई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वलीमाई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय घुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वलीमाई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है।
एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्द ही वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररी रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली मई की रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली मई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो COVID-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वली मई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वली मई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वली मई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पांव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधू ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधू ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधू ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वली मई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वली मई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा,
वालिमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है। पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है। थाला जी के फैंस उनके नए अवतार को देखकर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वालिमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है। थाला जी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं। मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वालिमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार वालिमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वालिमाई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वालिमाई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वालिमाई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय घुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वालिमाई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है।
तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्दी वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररीली रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली मई की रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली मई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो COVID-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वली मई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वली मई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वली मई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। यह फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पांव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बज क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधु ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधु ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वली मई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वली मई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वली मई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वली मई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों
का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वलीमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। जल्द ही आपसे सिनेमाघरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टारर वलीमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वलीमई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वलीमई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वलीमई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय घुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वलीमई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वलीमई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वलीमाई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वलीमाई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं।
बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्दी वलीमाई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररीली रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वलीमाई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वलीमाई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वलीमाई की रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वलीमाई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वलीमाई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी जिनके थाला जीत की वलीमाई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलीमाई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पाव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधु ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधु ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वलीमाई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वलीमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वलीमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वलीमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वलीमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी।
बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार अरवली मई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टेड इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वली मई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वली मई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वली मई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय घुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वली मई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? आपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्द ही वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल फिल्म को टेम्पररी रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई।
अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वालिमाई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वालिमाई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी वो COVID-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वालिमाई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी जिनके थाला जीत की वालिमाई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पांव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधू ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधू ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधू ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वालिमाई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वालिमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वालिमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वालिमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वालिमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय गुमकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में।
साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार अरवली मई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वली मई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वली मई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वली मई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरेशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिके गुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वली मई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्दी वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररी रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली मई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली मई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वली मई के लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी जिनके थाला जीत
कि वलीमाई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलीमाई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पाव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले यह फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधु ने यह फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधु ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वलीमाई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वलीमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वलीमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वलीमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वलीमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार वलीमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वली मई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वली मई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वली मई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरेशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय गुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वली मई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? आपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्द ही वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल फिल्म को टेम्पररीली रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली मई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली मई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो COVID-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वली मई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय गुमाकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वली मई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।
एमआई की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने। तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलीमाई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। यह फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पाव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले यह फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधू ने यह फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधू ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधू ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वलीमाई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वलीमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वलीमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वलीमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वलीमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार वलीमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वलीमाई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वलीमाई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है।
वलीमई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरेशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय गुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वलीमई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वलीमई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वलीमई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वलीमई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्दी वलीमई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररीली रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वलीमई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वलीमई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वलीमई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वलीमई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वलीमई के लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय गुमाकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वलीमई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। वलीमई की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट। क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलीमई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पाव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधु ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है,
साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधू ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वॉल्यूम आई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वालिमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वालिमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वालिमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वालिमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टारर वलीमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वलीमाई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वलीमाई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वलीमाई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय घुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वलीमाई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है।
ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजित के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजित सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजित सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्द ही वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररी रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली मई की रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली मई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वली मई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वली मई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वली मई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पांव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधु ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधु ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वली मई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वली मई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वली मई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है।
थालाजीत के फैंस उनके नए अवतार को देखकर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वालिमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थालाजीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं, साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वालिमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमाघरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार वालिमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोनावास रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वालिमाई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वालिमाई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वालिमाई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय घुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वालिमाई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वालिमाई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी?
कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को। अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों, नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली माई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली माई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्द ही वली माई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल फिल्म को टेम्पररीली रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली माई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली माई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली माई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली माई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी वो COVID-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वली माई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी जिनके थाला जीत की वली माई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वली माई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। यह फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पांव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधु ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधु ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वली माई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वली माई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वली माई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वली माई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं, साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है।
दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वलीमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। जल्द ही आपसे सिनेमाघरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टारर वलीमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वलीमई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वलीमई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वलीमई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय घुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वलीमई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वलीमई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वलीमाई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वलीमाई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्द ही वलीमाई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल फिल्म को टेम्पररीली रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है।
इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वनमाई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वनमाई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वलिमाई की रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वलिमाई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वलिमाई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी जिनके थाला जीत की वलिमाई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने। तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलिमाई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पाव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधु ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधु ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वलिमाई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वलिमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वलिमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वलिमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वलिमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे।
अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार अरवली मई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टेड इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोनावास रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वली मई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वली मई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वली मई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरेशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय गुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वली मई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? आपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों, और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्द ही वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल फिल्म को टेम्पररीली रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली मई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली मई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई।
ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वॉलीमाई के लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी जिनके थाला जीत की वॉलीमाई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पांव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधू ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधू ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधू ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वॉलीमाई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वॉलीमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वॉलीमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वॉलीमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वॉलीमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय गुमकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार वॉलीमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है।
वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वली मई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वली मई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वली मई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरेशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिके गुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वली मई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्दी वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररीली रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली मई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली मई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वली मई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वली मई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए?
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलीमाई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। यह फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पाव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधु ने ये फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधु ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वलीमाई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वलीमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वलीमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वलीमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं, साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वलीमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार स्टारर इस फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टारर वलीमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे।
इससे पहले निर्माताओं ने वली मई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वली मई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वली मई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरेशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय गुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वली मई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों, और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्द ही वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररी रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली मई की रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली मई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो COVID-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वली मई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय गुमाकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वली मई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? द
तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलिमाई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। यह फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पाव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले यह फिल्म दर्शकों के बीच काफी बस क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधू ने यह फिल्म पहले ही देख ली है। इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधू ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधू ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वलिमाई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वलिमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वलिमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वलिमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वलिमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टार वलिमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वलिमाई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वलिमाई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वलिमाई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी।
इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय गुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वलीमई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है। एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वलीमई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वलीमई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्दी वलीमई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररी रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वलीमई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वलीमई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वलीमई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वलीमई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वलीमई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय गुमाकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वलीमई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। की सेंसर बोर्ड रिपोर्ट, क्या ट्वीट जारी किया फिल्म के निर्माता ने? तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म वलीमई को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। ये फिल्म 13 जनवरी को ही थिएटर्स पहुंचने वाली थी, मगर कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले पांव पीछे खींच लिए। अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निर्माता हालात सामान्य होने पर दोबारा अनाउंस करेंगे। इससे पहले ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी बज क्रिएट कर रही थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की धार से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद फिल्म को जबरदस्त सेंसर रिव्यू भी मिला। सेंसर बोर्ड में फिल्म क्रिटिक और नामी पत्रकार उमर संधू ने ये फिल्म पहले ही देख ली है।
इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों वर्जन देखने के बाद उमर संधु ने अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी और फिल्म की खूब तारीफ की। इन ट्वीट्स पर नजर डालें तो पता लगता है कि फिल्म काफी धमाकेदार है। साथ ही ये अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा की तरह ही हिंदी दर्शकों को भी क्लीन बोल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने ट्वीट में उमर संधु ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू देते हुए कहा, वॉल्यूम आई आपका दिमाग हिला देगी। थाला जीत हमेशा क्लासी और स्टाइलिश थ्रिलर चुनते हैं और वो इसमें बेस्ट है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वालिमाई के हिंदी डायलॉग्स कमाल है, क्या शानदार डबिंग है, थाला जीत के हिंदी फैंस भी खुशी से झूम उठेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, वालिमाई की ओवरऑल सेंसर रिपोर्ट शानदार है, पक्के तौर पर एक हिट फिल्म आ रही है, थाला जीत के फैंस उनके नए अवतार को देख कर खुश हो जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, वालिमाई की सेंसर रिपोर्ट विस्फोटक है, थाला जीत एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी करके फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने की सूचना दी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, दर्शक और फैंस हमेशा हमारी खुशी की वजह रहे हैं, मुश्किल वक्त में उनका सहारा और प्यार हमारे भीतर उम्मीदों का संचार करता है और हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। हम बस यही चाहते रहे कि हमारे दर्शक सिनेमा घरों में खुश रहें और आनंद उठाएं। साथ ही अपने दर्शकों की सेहत सुरक्षा हमेशा हमारे फैसलों की प्राथमिकता रही है। दुनिया भर में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करने के लिए हमने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक हम अपनी फिल्म वालिमाई की रिलीज स्थगित कर दें। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, जल्द ही आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। बोनी कपूर ने भारत और दुनिया भर में अपने वितरकों का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि अजीत कुमार टेररिस्ट फिल्म में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में RX 100 स्टार कार्तिकेय घुमाकोंडा भी है। वो फिल्म में पहली बार विलन का रोल प्ले करते दिखेंगे। अब इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है, तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है? कब के लिए लॉक हुई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कितने करोड़ की पेशकश हुई फिल्म की OTT रिलीज के लिए? कौन देगा फिल्म म्यूजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ के मशहूर एक्टर अजीत कुमार स्टारर वलीमाई 2022 की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर पहले 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, हालांकि देश भर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे डिले कर दिया गया था। एच विनोद द्वारा डायरेक्टर इस तमिल एक्शन ड्रामा को जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख मिलने की संभावना है। वहीं खबर है कि फिल्म 24 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्च तक सभी कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगी, लेकिन नए COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण निर्माताओं को बड़े बजट की फिल्म को डिले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई राज्य सरकारों ने थिएटरों को ही फिर से बंद और कई ने उन्हें केवल 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने की अनुमति दी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और मेकर्स की उम्मीद है कि अगले महीने तक पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ वो फिल्म को थिएटर में स्वागत कर सकेंगे। इससे पहले निर्माताओं ने वलीमाई को ऑनलाइन रिलीज करने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मूड में नहीं है। उम्मीद है कि फिल्म के निर्माता अगले वीक तक फॉर्मली नई रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे। वलीमाई को ओरिजिनली केवल तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज करने की प्लानिंग थी, हालांकि निर्माताओं ने इसे डब करने का फैसला किया और इसे हिंदी में भी रिलीज करने का मन बना लिया है। फिल्म को मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया जा रहा है। वलीमाई का तमिल ट्रेलर जारी किया जा चुका है और विशेष रूप से इसके एक्शन दृश्यों और अजित के स्क्रीन परसोना के लिए उनकी तारीफ की गई थी। इसमें उनके किरदार के एक पुलिस अधिकारी से एक क्रिमिनल बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म में हुमा कुरैशी को फीमेल लीड और अभिनेता कार्तिकेय घुमाकोंडा को विलन के रूप में दिखाया गया है। अभिनेता राज अयप्पा, योगी बाबू, गुरुबानी, पुगाज और अच्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। युवान शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक्शन सीन से भरपूर होगी। वलीमाई का रन टाइम 2 घंटे 58 मिनट होगा और इसे सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। वहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दिनों से तमिल सिनेमा में नई लहर आने वाली है।
एक टैलेंटेड फिल्म मेकर वेंकट प्रभु ने एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में टॉप एक्टर्स अजीत कुमार और विजय के साथ फिल्में करने की बात भी की है। ब्लॉकबस्टर मन कथा के बाद अजीत के साथ फिर से जुड़ने के बारे में पूछे जाने पर इस फिल्म मेकर ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मन कथा के बाद तुरंत अजीत सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं उस बारे में सोच नहीं सका। मैं अभी भी अजीत सर के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, आपकी तरह ही मैं भी उनके कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या फिल्म मेकर को उनके इस पसंदीदा सितारे का कॉल कब तक आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं वली मई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या फिर से कोलैबोरेट करने जा रही है ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी? कौन है फिल्म के धुरंधर विलन्स? अपने किस अंदाज से चौंकाया हुमा कुरैशी ने फैंस को? अगर आप साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने जरूर मशहूर एक्टर अजीत कुमार का नाम सुना ही होगा। क्यों? और नाम सुना है तो उनके फैन भी होंगे, तो बेशक आप उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म वली मई के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपको वली मई से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। बात करें फिल्म के एक्टर अजीत कुमार की, तो अभिनेता इस समय फुल फॉर्म में है और जल्द ही वली मई के बाद अजीत फिर से निर्देशक एच विनोद और बोनी कपूर के साथ काम करेंगे। अभी के लिए इस अनटाइटल्ड फिल्म को टेम्पररी रूप से AK61 के नाम से रेफर किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइटल की घोषणा वली मई की तरह इसकी पूजा सेरेमनी में की जाएगी। अब ये भी ठीक है, पूजा में प्रसाद में फिल्म का रिलीज डेट ही मिल जाएगा फैंस को। वली मई की शूटिंग दिसंबर 2019 में फॉर्मल पूजा समारोह के साथ शुरू हुई और उसी दिन टाइटल की घोषणा की गई। अब कहा जा रहा है कि मेकर्स उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। मुहूर्त पूजा के दौरान अजीत की 61st फिल्म के टाइटल की भी घोषणा की जाएगी, जिसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है और फिल्म वली मई के रिलीज से पहले शुरू हो सकती है। वली मई जो पोंगल के दिन रिलीज होने वाली थी, वो कोविड-19 के अचानक बढ़ने के कारण डिले हो गई। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वली मई की लेटेस्ट मेकिंग क्लिप में कार्तिकेय, गुमकोंडा और हुमा कुरैशी एक इंटेंस अवतार में भी देखे जा सकते हैं। हुमा कुरैशी, जिनके थाला जीत की वली मई में फीमेल लीड की भूमिका निभाने की अफवाहें हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें बाइक की सवारी करते देखा जा सकता है। वीडियो के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बाइक चलाना सीख रही है, क्योंकि उनके थाला अजीत के साथ फिल्म में कुछ बाइक राइडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।